हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नने किड्स। आज हम करेंगे नर्सरी सिलेबस। ये नर्सरी का कंप्लीट और लेटेस्ट सिलेबस है 2021-22। कोविड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सिलेबस प्रिपेयर करा है, क्योंकि लास्ट ईयर से बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। एडमिशन तो हो रहे हैं पर जो क्लासेज है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है, और आगे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि छोटे बच्चों की क्लासेस होगी या नहीं। तो ये जो नर्सरी सिलेबस है ये आपको हेल्प करेगा, आप बच्चों को घर पर ही प्रिपेयर करवाएं सिलेबस की हेल्प से। क्या करवाना है और कैसे करवाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन उसे जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्कूल में जब बच्चा आता है तो उसको सबसे पहले लाइंस कहेंगे, स्ट्रोक जो भी आप कह सकते हैं वो सिखाते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंडिंग लाइन। जब भी आप लाइन बनाएं तो बच्चों को सबसे पहले आप स्लेट दे सकते हैं या फिर कोई प्लेन पेपर दे सकते हैं, जिस पे बच्चों को फ्री हैंड राइटिंग करने के लिए कहें कि बच्चा किस तरीके से पेंसिल को पकड़ रहा है या कलर चौक जो भी आप देते हैं उसकी ग्रिप कैसे बन रही है। तो बच्चा सिंपल सेम उसको इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करने के लिए कहें। फर्स्ट डे, सेकेंड डे आप बच्चों को इसी तरीके से सिखाएं। देन आप एक प्लेन पेपर पर बच्चों को इस तरीके से डॉट्स बनाकर दीजिए और उसे कहें कि इसको इससे मैच करें। इस तरीके से बच्चा इन छोटी छोटी लाइंस को बनाना सीखेगा। बिग एंड स्मॉल दोनों तरीके की लाइन्स आप बच्चों को सिखा सकती हैं। जब बच्चा इस तरीके से लाइन बनाना सीख जाता है तो आप उसे इस तरीके से छोटी सी एक वर्कशीट बनाकर दीजिए। जितनी अट्रैक्टिव वर्कशीट बनाएंगे ना, बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही डेवलप होता है। बच्चे बहुत जल्दी कवर करते हैं इस चीज़ को। आप जैसे बच्चे को बोले कि ब्लू डॉट को ब्लू डॉट से मैच करें, ट्रेस करके उसे लाइन दीजिए, तो ट्रेसिंग के थ्रू आप बच्चों को फिर उसे सिखाएं। अब ब्लू डॉट को रेड डॉट से मैच करें, इस तरीके से आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखा सकती हैं। सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए आप बच्चों को स्लीपिंग लाइन भी सिखाएं। ग्रीन से ग्रीन को मैच करना है, देन ग्रीन को ग्रीन से मैच करना है, तो बच्चा इजीली स्लीपिंग लाइन सीख जाते हैं। ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बच्चों को अल्फाबेट और नंबर्स लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सबसे इजी होती है स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चों को सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन सिखाएं, फिर स्लीपिंग लाइन सिखाएं, देन बच्चों को स्लेंटिंग लाइन सिखाएं। स्लेंट लाइन के लिए आप इस तरीके की वर्कशीट बना सकते हैं। बच्चे को इससे मैच करते हुए इस पैटर्न को फॉलो करना है। इसके बाद आता है हमारा जिगजैग। जिगजैग कुछ इस माउंटेन शेप में होता है। बच्चों को इस तरीके की जिगजैग दीजिए आप। फिर आता है हमारा कर्व। बच्चों को आप इस तरीके से कर्व की वर्कशीट बना कर दीजिए और उसे कर्व सिखाएं। लाइन सिखाने के बाद बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। प्री मैथ कॉन्सेप्ट में ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट हैवी लाइट, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से आप बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझा सकती हैं। देन उसके बाद बच्चों को नंबर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप कोशिश करें जब बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों से ही बच्चों को ये सब चीज़ें कवर करवाएं। जैसे आप फ्रूट से या वेजिटेबल से बच्चों को ये सब सिखा सकते। बच्चे के एक हैंड में आप ग्रेप्स दें और एक हाथ में आप एप्पल ले सकती हैं और बच्चे से पूछ सकती हैं विच इज़ द बिगर एंड विच इज़ द स्मॉलर, जो भी आप पूछना चाहती हैं बच्चे से। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हैं। देन उसके बाद आप बच्चों को इस तरीके की फ्लैश कार्ड बना कर दीजिए और बच्चे से पूछे विच इज़ द बिगेस्ट एलिफेंट। तो बच्चा इजीली बता सकता है पिक्चर को देखकर कि ये एनिमल सबसे बड़ा है। इसमें मैंने इस तरीके के और भी फ्लैश कार्ड बनाए हैं। आप चाहे तो बच्चों को इस तरीके से बनाकर पढ़ा सकती हैं। ये मैंने एक पुरानी बुक थी उससे कट करके इसको पेस्ट करा है। आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकती हैं। बच्चों को अच्छा लगता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज जब वो देखते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद अब फिर बच्चों को हम नंबर सिखाते हैं। सबसे पहले हम उसे 1 to 20 तक काउंटिंग रिटन और वर्बली दोनों तरीके से सिखाई जाती है। जब बच्चा काउंटिंग लिखना सीख जाता है तो उसको नंबर रिकॉग्नाइज करवाए जाते हैं। नंबर रिकॉग्नाइज के लिए आप इस तरीके की एक वर्कशीट तैयार कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक पिक्चर बनाई है और उसके साथ मैंने 1 लिखा है, तो बच्चों को पिक्चर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं आप कितने बैलून हैं यहाँ। 1, तो यहाँ पर हमें 1 फिल करना है। आप इसमें कलर फिल करने के लिए भी कह सकती हैं बच्चों को हाउ मेनी शेप 1, 2 और यहाँ क्या लिखा है 2। इस तरीके से आप बच्चों को 3 से इंट्रोड्यूस करवाएं, 1, 2, 3। इसी वर्कशीट के हेल्प से आप बच्चों को काउंट एंड राइट भी सिखा सकते हैं। बच्चों को पिक्चर बनाकर दीजिए, देन उसे काउंट करने के लिए कहें कि ये कितने बैलून्स हैं या कितनी फिश है, मुझे काउंट करके बताएं। नेक्स्ट आता है मैचिंग। बच्चों को सेम नंबर लिख कर दीजिए और उसे मैच करने के लिए कहें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को A to Z करवाया जाता है कैपिटल लेटर में।
आप बच्चों को अल्फाबेट सिखाने के लिए इस तरीके की वर्कशीट, सबसे पहले बच्चों को ए लेटर से इंट्रोड्यूस करवाएं, उसे कलर फिल करने के लिए कह सकते हैं, ए से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों को उसकी पिक्चर बनाकर उसे इंट्रोड्यूस करवाएं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एरो। उसके बाद बच्चों को ए लेटर की प्रैक्टिस करवाएं, पहले लेफ्ट स्लैंट लाइन बच्चों को ट्रेस करने के लिए दीजिए, उसके बाद राइट स्लैंट लाइन बच्चों को ट्रेस करने के लिए दीजिए, देन स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद कंप्लीट बच्चों को ए फॉर अल्फाबेट की प्रैक्टिस करवाएं। इस तरीके से आप बच्चों को हर एक अल्फाबेट की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। जैसे सेकंड वर्कशीट है बी फॉर बॉल, बी फॉर बनाना, पहले उसे स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करने के लिए दीजिए, फिर उसे कर्व बनाने के लिए दे सकते हैं आप, और लास्ट में कंप्लीट बी अल्फाबेट की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। उसके बाद आता है लुक एंड राइट, बच्चे को देखकर लिखने के लिए कहें। जैसे यहाँ मैंने वर्कशीट बनाई है, राइट द बिगनिंग लेटर भी कह सकते हैं इसे, या फिर लुक एंड राइट। एफ फॉर फिश, ये किसकी पिक्चर है, हैन की, तो एच फॉर हैन। इस तरीके से भी बच्चों को हम लेटर की पहचान करवाते हैं। उसके बाद आता है मैचिंग, मैच विद पिक्चर, तो के फॉर काइट से मैच करेंगे, इसी तरीके से जेड फॉर जिप, और आई फॉर आइसक्रीम। बच्चों को ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी आप करवाते रहें। नेक्स्ट आता है सर्कल द ओड वन। जैसे यहाँ पर आपने ए फॉर एप्पल लिख कर दिया बच्चों को, और एक इसमें आपने रॉन्ग अल्फ़ाबेट लिखा, बच्चों को जो ओड अल्फ़ाबेट है मतलब जो इन तीनों से अलग है उसे सर्कल करने के लिए कहें। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट इन तीनों अल्फ़ाबेट से अलग है। इस तरह से आप बच्चों को सही अल्फ़ाबेट की पहचान करवा सकती हैं। मिसिंग लेटर बीच में जैसे ए बी सी डी और ई, फिर आप बच्चों को इसमें से मिसिंग लेटर फिल करने के लिए कहें। हिंदी में बच्चों को अ से अह तक के स्वर सिखा दिए जाते हैं, उसमें भी बच्चों को चित्र देखकर अक्षर लिखने के लिए कहें। कोई भी चित्र बनाए, जैसे आम की पिक्चर बना दी और बच्चे को लिखने के लिए दे सकती हैं आप कि इसका फर्स्ट लेटर लिखिए आ से आम। इसी तरीके से मिलान करो, पिक्चर बनाए एक तरफ स्वर लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड पिक्चर बनाकर बच्चों को मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। खाली स्थान भरो, जिस तरीके से अभी इंग्लिश में हमने फिलअप्स करे थे इसी तरीके से हिंदी में हम बच्चों को खालिस्तान करवा सकते हैं। नेक्स्ट सिलेबस आता है हमारा ईवीएस का। ईवीएस में बच्चों को सबसे पहले माई सेल्फ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, माई फैमिली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करवाएं, किसी भी कलरफुल बुक से आप बच्चों को ये सारे टॉपिक कवर करवा सकती हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इस तरीके की बुक्स होगी तो बच्चा देख कर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखता है, तो आप उसे फ्रूट्स नेम करवाएं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनिमल्स नेम, कलर्स नेम आप बच्चों को करवा सकते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में कलर डे मनाया जाता है, जैसे आज रेड कलर है या पिंक कलर है, इसी तरीके से बच्चों से फ्रूट्स मंगवाए जाते हैं, फ्रूट्स डे मनाया जाता है। घर पर भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जब भी आप वेजिटेबल कट्स करते हैं तो बच्चों को इस वेजिटेबल का क्या नाम है, या आज हमने किस चीज़ की सब्जी बनाई है और इसमें हमने किस किस का यूज़ करा, जैसे पोटैटो बना रहे हैं तो पोटैटो बनाने के लिए हमने उसके साथ पीस का भी यूज़ करा, टमाटो का भी यूज़ करा, अनियन भी हम यूज़ करते हैं। फ्रिज में से या किचन में से बच्चे से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मंगवाएं। उसके बाद आता है एनिमल्स नेम, कलर्स नेम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कहीं रास्ते में कहीं जा रहे हैं बच्चे के साथ, तो उसे जितने भी व्हीकल्स रास्ते में दिखते हैं उसे इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये बाइक है, या हम कार से जा रहे हैं, कार में फोर व्हीलर होते हैं, तो आप रास्ते में बच्चों को ट्रांसपोर्ट दिखा सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा सकते हैं। बच्चा इस तरीके से देखकर ज़्यादा सीखता है, और जब रास्ते में वो इस तरीके से जा रहा होता है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो आप बता रहे हैं और जो चीज़ें वो देख रहा है जो जल्दी फोकस करता है। तो पेरेंट्स, ये था हमारा नर्सरी का सिलेबस। आई होप मेरी ये वीडियो आपके बच्चे की स्टडी में हेल्प करे, और आप इस तरीके से बच्चों को घर पर नर्सरी का सिलेबस कवर करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।